केजरीवाल वो है, वो किसी का सगा नहीं, वो कोई नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, वो इस देश का किसी तरह भी नहीं हो सकता, उसको गोली मार देनी चाहिए। केजरीवाल कहीं नहीं टिकेगा, केजरीवाल ना बाहर भी नहीं आएगा और इसकी कोई पार्टी का बंदा भी नहीं जीतेगा, क्योंकि दिल्ली वालों को दो बार ठग लिया, ये दो बार इनको लूट लिया। और दिल्ली वाले तो वैसे कुछ लोग ज्यादा ही मूर्ख है, वो हो सकता है वोट दे भी दे। जो राहुल गांधी आज है वो अपने पुरखों की वजह से, और जो दिल्ली के केजरीवाल बना हुआ वो दिल्ली के मूर्खों की वजह से। केजरीवाल ने वाकई बेवकूफ बनाया दिल्ली वाले को, नहीं पंजाब को बेवकूफ बना दिया फिलहाल। ये सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे, ठीक है, लेकिन ये खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए। 2025 में दिल्ली में से केजरीवाल विदाई है उसकी, जितना झूठ बोलना था, जितना विकास करना था कर लिया उन्होंने। सर, शराब नीति में जब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करती है और उनसे पूछताछ करती है, उसमें एक बड़ा खुलासा सामने आता है। अरविंद केजरीवाल, सीबीआई का ऐसा कहना है कि उन्होंने जो है पूछताछ में मनीष सिसोदिया का नाम लिया है, कि शराब नीति पे जो निजीकरण उसमें हुआ था वो निजीकरण करने का फैसला सिसोदिया का था। अब जो है सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल तो फिर तो किसी के सगे नहीं निकले, खुद सिसोदिया को फंसा रहे हैं अपने बचने के लिए, आप कैसे देखते हैं? ये बात तो आज पहली बार नहीं बोली है केजरीवाल ने, जब सिसोदिया को अंदर किया था और इनके ऊपर जब आँच आने लगी थी, इनको जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो इन्होंने यही बोला था सौरभ भारद्वाज और सिसोदिया ही देखते थे, मुझे कोई पता नहीं है। ये सेकंड टाइम उसने बोला होगा, पहली बार तो आज से 2-3-4 महीने पहले बोला था इसने, सौरभ और सिसोदिया और एक और है मार लेना, ये चार लोग थे उस दिन। तो आज ये सिसोदिया, केजरीवाल क्या चीज़ है आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। केजरीवाल वो है जिसे, वो किसी का सगा नहीं, वो कोई नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये आदमी सबसे गद्दार आदमी है देश का। इस आदमी ने फौज पे भी वो उठाया, मैं डिफेंस रिटायर्ड अफसर हूँ, ये आदमी सबसे गद्दार आदमी, क्योंकि हम तो वो जानते हैं जो फौज के ऊपर उंगली उठाएगा वो इस देश का नहीं हो सकता, वो इस देश का किसी तरह भी नहीं हो सकता, उसको गोली मार देनी चाहिए। जब आर्मी चीफ ने कहा था उसके बावजूद उसने सबूत मांगा, मैं सबूत मांग रहा है ये, अरे इसको मैंने तो ये भी कहा था उस टाइम, इसको और राहुल गांधी को प्लेन के नीचे बांध के ले जाओ और इनको दिखाओ कि देखो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, और इनके मुंह से एक माइक लगा के अनाउंस करवा दो, बाद में इधर ही ड्रॉप कर दो वहीं पे। राजनीति में जो है खुद बचने के लिए क्या सिसोदिया का नाम ले रहे, सिसोदिया को फंसा रहे केजरीवाल? ये किसी को भी फंसा सकता है, खुद की जान बचाने के लिए अपनी बीवी को भी फंसा सकता है, वो इस टाइप का कैरेक्टर है। केजरीवाल का भरोसा जिसने कर लिया वो डूबा ही डूबा, इसने कोई पेपर साइन नहीं किया बचने के लिए, फिर भी फंस गया, क्योंकि कर्म तो यहीं पे मिलेंगे। एक इंग्लिश में बोलते हैं कर्मा रिटर्न्स, तो कर्म आपके पास वापस आते हैं, वो आएंगे और ये अंदर रहेगा। जो है उन्हें अरेस्ट करके सीबीआई ले जाती है, अब सीबीआई अपने कस्टडी में रखी हुई है, तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है? ये बात 4 दिन पहले मैंने किसी चैनल से बात की थी, तो मैंने बोला था कि केजरीवाल अब अंदर ही रहने वाला है, जिस दिन ईडी छोड़ेगी उस दिन सीबीआई उठाएगी, जिस दिन सीबीआई छोड़ेगी उस दिन एनआईए उठाएगी, क्योंकि खालिस्तानियों से पैसा लिया तो एनआईए भी इसको उठाएगी, और जिस दिन एनआईए उठाएगी उसके बाद कोई बेल सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता है। हो सकता है चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाए, वो बाहर आना मुश्किल है, चुनाव तो बाद की बात है, वो नहीं आएगा अब। कहीं इसलिए तो नहीं सुनीता केजरीवाल को आगे केजरीवाल ला रहे हैं कैमरे के? फंसने वाली है, उसने वीडियो जो है अंदर का लाइव वीडियो कोर्ट का डाल दिया था सोशल मीडिया पे, तो उसके ऊपर भी केस चल रहा है। ये पूरा खानदानी शरीफों का है, आपकी जितने लोग हैं सब गलत कामों में उलझे हुए हैं, देश को धोखा देने में लगे हुए हैं। एक आदमी बता दो मुझे जो ढंग का है, आतिशी जो है वो क्या है, कम्युनिस्ट है वो ऐसे एक आंख करके खोल करके वो फोटो दे रही है सोई हुई, तो वो शरीफ औरत है इस मामले में? दिल्ली के हित के लिए मैं भूख हड़ताल के लिए, किसी कोई भूख हड़ताल नहीं, आप चैनल वालों से पता करो, 1 घंटे के लिए आती है फिर गायब हो जाती है, टाइम पे गायब हो जाती है, खा पी के आती है फिर बैठती है, ऐसे तो मेरे से 1 साल करवा लो। क्या लग रहा है अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ होने वाला है उस चुनाव में, नतीजे क्या रहेंगे? केजरीवाल कहीं नहीं टिकेगा, केजरीवाल ना बाहर भी नहीं आएगा और इसकी कोई पार्टी का बंदा भी नहीं जीतेगा, क्योंकि दिल्ली वालों को दो बार ठग लिया, ये दो बार इनको लूट लिया, और दिल्ली वाले तो वैसे कुछ लोग ज्यादा ही मूर्ख हैं, वो हो सकता है वोट दे भी दें, क्योंकि दिल्ली वालों का कोई हाल नहीं है, उनको मुफ्त में कोई कुछ भी दे जाए बाद में घर वालों को उठा ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हालत है दिल्ली वालों की। हिमाचल में ये गया था तो मैं वहां भी ऐसे ही डिबेट में गया था, तो उधर इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव थी आपकी, जब इलेक्शन होना था मैंने बोला था मैडम आपकी 1 भी सीट नहीं आएगी और सारी की सारी जमानतें जब्त होंगी 67 सीटों पे,
और वो ही हुआ था। हिमाचल में भिखारी लोग नहीं रहते हैं, मुफ्त का खाने वाले नहीं रहते हैं, वहाँ अभी भी चार सीटें की चार सीटें पार्लियामेंट की जीती, और उस टाइम इनका एक भी सीट नहीं आया था आपका, तो आपको वहाँ कोई आज उसका कोई वजूद नहीं है हिमाचल में। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये डाकू है। देश की सबसे ईमानदार पार्टी के सबसे ईमानदार नेता होने का जो लोग दावा करते थे, सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो वही निकले। ये तो बोलने से लिए आप बोलते जाओ रोज, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, आप बन तो नहीं जाओगे। ऐसे ये बोलता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ तो बन तो नहीं जाएगा ये। इसका असली करेक्टर तो इसके खून के अंदर है, वो धोखा देना, बेवकूफ बनाना, लोगों को लूटना, वो तो कर ही रहा है और ये करेगा। दोबारा मौका दोगे तो इससे ज्यादा करेगा। केजरीवाल ने वाकई बेवकूफ बनाया दिल्ली वालों, दिल्ली वाले को नहीं, पंजाब को बेवकूफ बना दिया फिलहाल, देश को बनाया, पंजाब को भी बेवकूफ। ये चीज देख लो, जब से पंजाब में आपकी सरकार आई है ना, हकीकत बात है वहाँ खालिस्तानी पनप रहा है। वो छोड़ो, एक अमृतपाल करके दुबई से आता है, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करता है आपकी सरकार में, आज तक कभी सुना है आपने? चुनाव भी जीत जाता है जेल में बैठा, जीत गया वो, किस लिए? क्योंकि भगवंत मान उसी पार्टी का है ना, आप पार्टी का, वो खुद बेवड़ा दारू पी के रहता है 24 घंटे, उसको फॉरेन में उतार दिया था, प्लेन से उतार दिया गया था उसको, क्यों? बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, तो ऐसे पंजाब से नशा खत्म करेंगे, एक नशेड़ी को सीएम बनाकर, नशेड़ी है वो, गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी जो भी बोल सकते हो सब है वो, और उसको ज्यादा तो केजरीवाल को हेलीकॉप्टर में झूले दिलाने होते हैं, यही घूमता रहता है वो। सर इस देश का दुर्भाग्य, अगर हम नशेड़ी को नशेड़ी कह देंगे ना, पता है क्या होगा, कल को FIR हो जाएगा, उठा लिया जाएगा, पंजाब में पत्रकारों को उठा लिया जाता है। ऐसे तो आप सोचो, ये कर्नाटका से अरेस्ट करने आई थी यूपी में एक यूट्यूबर को, तो जहाँ कांग्रेस जाएगी, जहाँ आप जाएगी, वहाँ ये धंधे होंगे, गलत काम वहाँ होंगे, और वो जो सही करेगा उसके पीछे लगे रहेंगे। जब CBI की पूछताछ हो रही है तो उसमें केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है कि जो निजीकरण शराब नीति में किया गया वो आइडिया जो है सिसोदिया का था, तो क्या अपना जान छुड़ाने के लिए सिसोदिया को बलि का बकरा बना रहे अरविंद केजरीवाल? पहली बात सुन लो हमारी बात, जब आम आदमी की स्थापना हुई थी तो साथ में कवि जी कुमार विश्वास भी थे, योगेंद्र यादव थे, और प्रशांत भूषण थे, कपिल मिश्रा भी थे, एक एक करके इन्होंने जब लगा कि मेरी कुर्सी खतरे में है तो सबसे पहले सबको ठेंगा दिखा दिया, एक एक करके, ये मतलब कि खतरे में, बीच में अभी आतिशी पर भी कुछ खतरा मंडरा रही थी, मीडिया में आया हुआ था, तो अब उसको लगता है कि जेल से निकलेंगे तो मनीष सिसोदिया हमारे लिए खतरे है। लेटेस्ट तो स्वाति मालीवाल है। हाँ, लेटेस्ट स्वाति मालीवाल भी है, तो देखिए ये स्वार्थ परक है, ये अन्ना के नाम पर, अन्ना के आंदोलन से उपजे और अन्ना का बात ही नहीं माना। आप सुनिए, कांग्रेस से इन्होंने क्या बोला था कि हम जो की सर की कसम खाता हूँ हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ नहीं मिलाएंगे, तो ये देखिए अभी कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। आप एक चीज सोच सकते हैं, जैसे जब एक में एक जब फ्री हो गया ना, तो मुझे उस टाइम संदेह हो गया था, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या लग रहा है, मुसीबत बढ़ेगी केजरीवाल की, क्योंकि ईडी के बाद CBI आ गई है और पीछे NIA भी खड़ी है, अभी बैठी हुई है NIA। अगर देखिए आप गलत करेंगे, आप गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है, शराब घोटाला हुआ है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो उठता है आम आदमी पार्टी के उसके सोच पर, जब राव जवेनी कोर्ट जमानत दे देता है, न्यायालय निष्पक्ष है, लेकिन जब हाईकोर्ट रोक लगा देता है, मोदी जी के इशारे पे हाईकोर्ट काम कर रहा है। मोदी जी क्या कोर्ट में बैठते हैं? ऐसे ऐसे चमचे अगर पैदा हो जाएंगे तो केजरीवाल फिर जीत सकता है, क्योंकि जिनको ना बुद्धि है ना शर्म है, ऐसे लोगों की वजह से ही जो राहुल गांधी आज है वो अपने पुरखों की वजह से, और जो दिल्ली के केजरीवाल बना हुआ वो दिल्ली के मूर्खों की वजह से, समझ गए आप, ये है रीजन असली। तो ऐसे लोग कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपको 54 दे देगा वो और 4 रुपए लूट लेगा, एक पे एक फ्री कर देगा, लोगों के घर में कलर डलवाएगा, बीवियां रोती रहेंगी, बच्चे भूखे मरेंगे, लेकिन वो दारू बेचेगा। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, केजरीवाल की मुसीबत और बढ़ने वाली है, घोटाला हुआ है, इस पर CBI भी कार्रवाई कर रही है अब, और ED पहले से कर रही है, तो मुश्किलें तो बढ़ेगी, अगर आप गलत काम करो तो मुश्किलें नहीं बढ़ेगी। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री को जो जेल में पहले से ED ने अरेस्ट कर रखा है, जेल में बैठा हुआ है, जेल में सजा काट रहा है, उसके बाद CBI आके गिरफ्तार कर लेती है, ले जाती है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देना, कुर्सी ना छोड़ना, ये क्या दिखलाता है? चारा घोटाला में जब लालू जी जेल गए थे तो उनने इस्तीफा दिया था, अभी कुछ दिन पहले देखे अब शिवसेना का लड़का हेमंत सोरेन, उनने भी इस्तीफा दे दिया। अब इससे ये साबित हो रहा है या ये देखने को मिल रहा है कि ये कितने कुर्सी के लोभी है,
इनको तो बहुत सारे हैं, आम आदमी में और कोई लीडर नहीं है, किसी को बना दीजिए ना। क्या है वो सरकारी सुख सुविधा जो मिल रहा है वो छिन जाएगा, इसका डर है क्या, इसलिए कुर्सी नहीं? अब देखिए ये तो उनका पर्सनल मैटर है, क्या मतलब डर किस चीज की है, लेकिन वो मतलब क्या कहते हैं एक पद का लोभी आदमी है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे, ठीक है, लेकिन ये खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए। अब ये एक दूसरे पे ऐसे आरोप लगाएंगे, मोदी पे भी आरोप लगाएंगे कि मोदी ने जेल में डाल रखा है, लेकिन ये अपने कर्मों की सजा खुद भोगेंगे। सिसोदिया पे केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, क्या खुद बचने के लिए आरोप लगा रहे हैं या वाकई सिसोदिया ने ऐसा किया होगा, क्या लग रहा है? अब ये फंस रहे ना तगड़े, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला, रिहाई होने वाली थी ना इनकी, वो उस पर भी रोक लगा दी, तो अब ये कुछ ना कुछ अपना एक बार को सिसोदिया भी बोल सकते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि सिसोदिया एक बार को अंदर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल ने बोला होगा कि मैं अंदर ना रहूँ, अगर मैं अंदर चला गया तो फिर पार्टी मतलब सफा हो जाएगी। मैं आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं अगले साल विधानसभा 2025 में? दिल्ली में से केजरीवाल विदाई है उसकी, जितना झूठ बोलना था, जितना विकास करना था, कर लिया उन्होंने। केजरीवाल जी बोलते थे यमुना जी साफ करेंगे, जल लोकपाल बिल लाएंगे और 2000 लीटर पानी देंगे, पानी पे भी मारामारी मची पड़ी है, आपने देखा होगा।